गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन टूडेज वीडियो आई विल कवर द रेस्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर नंबर 2 नेम्ड द रीजनल किंगडम. इन द लास्ट वीडियो वी वर स्टडी टिल दिस पॉइंट, सो आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हेयर. व्हाट इज गिवन? द किंग गेव लैंड टू ब्राह्मण्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल, लोकल चीफ, tribal leaders. Instead of cash salaries, the king collected the land revenue and also asked for the contingent of troops during the war. तो क्या दिया है कि जो king होता था वो जमीन देता था ब्राह्मण्स को, जो government के officials थे उनको salary नहीं देते थे. तो क्या करता था जो king होता था, वो collect करता था land revenue, उनको जमीन देता था, फिर जमीन के ऊपर से वो revenue collect करता था. और जब during the war वो क्या करता था, उनसे क्या है जो group of ट्रूप्स मंगवाता था. ट्रूप्स मैंने ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बताया था कि फौज को बोलते हैं, सेना को बोलते हैं, कंटिंजेंट होता है ग्रुप. आगे दिया है ब्राह्मण्स डिड नॉट हैव टू पे टैक्सेस फॉर देयर लैंड्स. तो जो ब्राह्मण्स थे वो क्या थे, वो पे नहीं करते थे टैक्स. द लैंड वॉज कल्टिवेटेड बाय द लेबरर्स. जो लैंड को कल्टिवेट कौन करता था, जो मजदूर होते थे, लेबरर्स. दे रोट अकाउंट्स अबाउट द किंग्स एंड परफॉर्म्ड रिलीजियस सेरेमनीज. तो वो क्या करते थे, किंग्स के बारे में कुछ ना कुछ लिखते थे, और क्या है बहुत सारी जो सेरेमनी होती थी रिलीजियस वो उनको ऑर्गेनाइज करते थे. दे ऑल्सो ब्रॉट मोर लैंड अंडर कल्टिवेशन. वो क्या करते थे, और जो लैंड होती थी जिस जमीन के ऊपर हम खेती कर सकते थे, वो और उसको क्या करते थे, बाय करते रहते थे. द पेजेंट हर्डर आर्टिसंस हैड टू गिव ए पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस टू द किंग. जो पेजेंट्स होते थे, पेजेंट बोलते हैं फार्मर्स को, हर्डर जो एनिमल्स के जो झुंड वगैरह घर पे रखते हैं, आर्टिसंस होते हैं जो क्राफ्टमैन होते हैं, कारीगर बोल देते हैं, वो क्या करते थे, जो जितना उनका प्रोड्यूस होता था, जो उनकी मतलब जैसे फार्मर्स की जितनी क्रॉप हुई, आर्टिसंस ने जो कुछ भी बनाया, तो वो क्या करते थे, जितना उनका प्रोड्यूस होता था उनका कुछ पार्ट क्या है, राजा को देते थे. दे वर क्लेम्ड एज अ रेंट. द ट्रेडर्स ऑल्सो पेड टैक्सेस. तो वो क्या करते थे, उन्हें क्या है, जो कुछ अपना प्रोड्यूस देते थे उनको ये बोलो कि हाँ उन्होंने अपना रेंट पे कर दिया. उसके बाद जो ट्रेडर थे, जो व्यापारी थे, जो इंडिया का सामान बाहर लेके जाते थे, जहाँ किसी और पार्ट में लेके जाते थे, वहाँ का इधर बेचा जाता था, तो जो ट्रेडर्स होते थे उनको भी कुछ ना कुछ टैक्स पे करना पड़ता था. विलेज वॉज एन इम्पॉर्टेंट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लुक्ड आफ्टर बाय द विलेज हेडमैन. तो विलेज के अंदर भी क्या है, प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन होते थे. तो जो एक गांव के अंदर रूल्स को लागू कौन करता था, तो विलेज का एक हेडमैन होता था. द विलेज हैड वेरियस कमेटीज टू लुक आफ्टर लोकल स्कूल्स, वाटर टैंक्स, टेम्पल, रोड्स. ठीक है, तो जो विलेज का हेड होता था वो क्या करता था, एक गांव के अंदर भी बहुत सारी कमेटीज़ होती थी. कुछ कमेटी क्या है, स्कूल को देखती थी, कोई वाटर को देखता था, कोई टेम्पल्स को देखता, कोई रोड्स को देखता था. तो विलेज एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्टिन्यूड ऑन द सेम पैटर्न टिल इंडिपेंडेंस. तो जो जब तक इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं हुआ, तब तक जो उनकी पॉलिसीज थी वो कॉन्टिन्यू, जो उनका सेम पैटर्न था उसी के ऊपर वो चलती रही. तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गजनविद्स. तो ये क्या है, इन द 10th सेंचुरी ए टर्किश कॉन्करर कैप्चर्ड गजनी नाउ इन अफगानिस्तान एंड फाउंडर द गजनविद डायनेस्टी. तो क्या है, 10th सेंचुरी के अंदर जो तुर्किश, तुर्की एक कंट्री है, तो तभी उसको बोला है टर्किश कॉन्कर. उसने क्या किया, कैप्चर कर लिया, कैप्चर होता है कि ले लिया, गजनी को ले लिया. गजनी एक जगह का नेम है, आजकल वो किधर है, अफगानिस्तान के अंदर है. और उन्होंने क्या किया, एक कौन सी डायनेस्टी फाउंड की, गजनवी. सुल्तान मोहम्मद वॉज द मोस्ट फेमस रूलर ऑफ द दिस डायनेस्टी. तो गजनवी डायनेस्टी का जो फेमस रूलर है वो कौन सा था, सुल्तान मोहम्मद. द पोलिटिकली डिसयूनिटी ऑफ इंडिया एनकरेज्ड महमूद टू इन्वेड इंडिया. तो जो उनकी जो पॉलिटिकल डिसयूनिटी थी, उसने क्या किया, इनक्रेज किया मोहम्मद को कि तुम जो इंडिया के ऊपर आक्रमण कर दो. महमूद रेडेड इंडिया 17 टाइम्स बिटवीन
बिटवीन 1080 एंड 1027 एडी। तो क्या हुआ, उसने 17 बार क्या क्या इंडिया के ऊपर इन्वेड किया। ही प्लंडर्ड मैनी सिटी पैलेसेस एंड हिज मेन टारगेट्स वर वेल्दी टेम्पल्स। तो उसने क्या किया, उसने बहुत सारी जो जगह है, सिटीज़ है शहर के अंदर, पैलेसेस होता है, महल वगैरह हो गए, जो वेल्दी टेम्पल्स थे, वेल्दी टेम्पल का मतलब जहाँ पर ज़्यादा धन वगैरह था जिन मंदिरों के अंदर, तो उसने वो सारे हड़प लिए। The two of his infamous attacks were on Kannauj in 1018 AD and the looting of the famous Somnath Temple of Gujarat in the AD 1025. तो उसने क्या किया, जो उसके जो टू उसके इन फेमस अटैक थे, एक उसने कन्नौज पे किया था, एक जो सोमनाथ टेम्पल है गुजरात के अंदर, दोनों की डेट्स गिवन है। इन द कम्पेन अगेंस्ट द कन्नौज ही प्लंडर्ड मथुरा एंड कन्नौज। तो इस कम्पेन के अंदर उसने क्या किया, उसने दो जगह को प्लंडर कर लिया, एक मथुरा और सेकंड है कन्नौज। ही ऑल्सो लूटेड द फेबुलसली रिच टेम्पल एट सोमनाथ विदाउट इनकाउंटरिंग एनी सीरियस रेजिस्टेंस। तो उसने क्या है, कोई ज़्यादा सीरियस कोई उसका उसको रजिस्टर नहीं करना पड़ा था, लेकिन उसने क्या किया, एक इनकाउंटर के अंदर, इनकाउंटर होता है किसी का सामना करना, और बड़ी उसने आसानी से क्या किया, जो सोमनाथ टेम्पल था उसको भी प्लंडर कर लिया। ही कुड लूट एंड प्लंडर सो इजीली बिकॉज नो स्ट्रॉन्ग स्टेट एग्जिस्टेड इन नॉर्थ इंडिया एट दैट टाइम। उसने क्या है, ये चीज़ें बड़ी अच्छी आसानी से इजीली हड़प ली, क्योंकि उस टाइम पे नॉर्थ इंडिया के अंदर कोई भी सेम उसका मुकाबला करने वाला कोई और नहीं था। तो क्या हुआ, महमूद यूज्ड दिस मैसिव वेल्थ दैट ही कैरिड फ्रॉम इंडिया टू बिल्ड ए मैग्निफिसेंट कैपिटल सिटी एट द गजनी। तो ये गजनी अफगानिस्तान के अंदर है, तो उसने अटैक किया इंडिया के ऊपर, जो सारी अच्छी अच्छी चीज़ें थी नॉर्थ इंडिया के ऊपर उसने सारी अपने कब्जे में कर ली। तो उसने क्या किया, जो इसकी मैसिव हेल्थ, मैसिव होती है बहुत ज़्यादा, उसने क्या किया सारी इंडिया से ले गया और बहुत अच्छी उसने कैपिटल बना ली गजनी, किसने, महमूद ने। एल बरूनी अ ग्रेट स्कॉलर हु हैड अकम्पनीड महमूद गजनी इन हिज अटैक्स ऑन इंडिया He has written a book in the Arabic language called Kitabul Hind, which gives us a lot of interesting information about Indian society and culture. तो क्या लिखा कि जो एक स्कॉलर था अलबरूनी, उसने क्या किया, वो भी महमूद गजनी के साथ था जब उसने इंडिया के ऊपर अटैक किया, तो उसने क्या किया अरेबिक लैंग्वेज के ऊपर एक बुक लिखी, बुक का नाम है किताबुल हिंद। तो इसके अंदर बहुत इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी, इंडियन की सोसाइटी कैसी है, इंडियन का कल्चर कैसा है। नेक्स्ट इधर दिया गया है केस स्टडी है, चोलास की केस स्टडी है, इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ के अंदर पढ़ेंगे, केस स्टडी वी विल कवर इन द क्लास, ठीक है। तो आगे क्या दिया है इसके अंदर, एट द सेम टाइम एल्सवेयर। सो क्या दिया है, अराउंड दिस टाइम इंडियाज नेबरिंग कंट्री चाइना ए पावरफुल डायनेस्टी कॉल्ड तंग डायनेस्टी अरोज। दिस डायनेस्टी विच रिमेन्ड इन पावर फॉर अबाउट 300 ईयर्स फ्रॉम 7th to 10th century इज रिगार्डेड बाई द हिस्टोरियन एज ए हाई पॉइंट इन ए चाइनीज सिविलाइजेशन। तो क्या लिखा है कि चाइना की जो पावरफुल डायनेस्टी थी उसका नेम क्या है, तंग डायनेस्टी है, जो क्या है अपनी पावर के अंदर कम से कम उसने 300 जो साल है बहुत अच्छे से पावर के अंदर रूल किया है, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है कि हाई पॉइंट ऑफ द चाइनीज सिविलाइजेशन। तो सिविलाइजेशन जो चाइना की थी हाई पीक पर कब थी, इस टाइम के अंदर, ड्यूरिंग दिस गिवन पीरियड इन 300 ईयर्स के अंदर। दिस डायनेस्टी वॉज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफिसर्स हु वर अपॉइंटेड थ्रू ए पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो इस डायनेस्टी को एडमिनिस्टर कौन करता था, इसको मैनेज कौन करता था, जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे इस प्रोसेस के थ्रू, पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन होता था उसके थ्रू वो ऑफिसर को हम वो अपॉइंट करते थे। Culturally, the Tang era is considered to be the greatest stage for the Chinese poetry. The Tang dynasty had trade relationship with Middle East, India, Persia and the Central Asia. तो इस dynasty के जो relationship थे, trade थे, सामान किसको भेजते थे, किससे लेते थे, ये three countries से, हमारे India के साथ, Persia and the Central Asia. Their capital at Chang'an was one of the most popular city in the world at that time. तो इनकी capital कौन थी, Chang, उस time के अंदर, ठीक है। तो आगे क्या दिया है, पीपल हु मेड द डिफरेंस। तो क्या है, चोला डायनेस्टी है एक, तो हम पढ़ेंगे राजेंद्र चोला वन के बारे में। राजेंद्र चोला वन, ऑल्सो नोन एज राजेंद्र चोल,
द ग्रेट वॉज द सन ऑफ द राजा राजा चोला वन, ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रूलर मिलिट्री लीडर ऑफ द चोला एम्पायर। ठीक है, तो क्या है, जो राजेंद्र चोला था वो क्या था, उसको क्या बोलते हैं, राजेंद्र चोला वन को राजेंद्र चोला भी बोल देते हैं। ये क्या था, किसका बेटा था, राजा राजा चोला वन का बेटा था। ये ग्रेटेस्ट रूलर था, मिलिट्री का, फौज का बहुत अच्छा लीडर था चोला एम्पायर के टाइम में। ही बिकेम द रूलर ऑफ द चोला एम्पायर इन 1014 AD ड्यूरिंग हिज रिन। द चोला एम्पायर वॉज एक्सटेंडेड टू द बैंक्स ऑफ द गंगा इन द नॉर्थ, एंटायर सदरन इंडिया, कोस्टल ब्रह्मा, ब्रह्मा को जिसको आजकल हम म्यांमार बोलते हैं, द अंडेमान निकोबार आइसलैंड, लक्षद्वीप, मालदीव्स। ठीक है, तो जो चोला एम्पायर कहाँ था, ये ज़्यादा जो पार्ट था किधर था, थोड़ा नॉर्थ के अंदर था, सारा सदरन एरिया चोला का था। ब्रह्मा जो म्यांमार है, अंडेमान निकोबार आइसलैंड, ये लक्षद्वीप हो गया, मालदीव हो गया, तो ये चोला एम्पायर के अंडर था। अपार्ट फ्रॉम दीज रीजंस एंटायर श्रीलंका वॉज अंडर द कंट्रोल ऑफ द चोला एम्पायर। तो सारा श्रीलंका इनके अंडर था। द श्री विजय किंग्स हु रूल्ड द आइसलैंड ऑफ सुमत्रा, जावा, मेला पेनिनसुला इन साउथ ईस्ट एशिया वर ऑल्सो डिफीटेड बाई चोला नेवल फ्लीट। नेवल फ्लीट होती है जो पानी के अंदर, जो समुद्री सेना होती है। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, इन सारे जो आइसलैंड थे इनके ऊपर क्या अटैक किया और सारे इन सबको हरा दिया और अपने अंडर कर लिया। राजेंद्र चोला वन एनहांस्ड द माइट प्रेस्टाइज एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द चोला पावर एज वेल एज प्रोस्पेरिटी टू इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द टाइम्स। तो इसने क्या किया, जो चोला थे, चोला वन ने क्या किया, जो चोला की पावर का गौरव है उसको काफ़ी ऊपर बढ़ाया, जो उसकी प्रॉस्पेरिटी थी वो काफ़ी इस टाइम के अंदर ऑल द टाइम्स उसने क्या किया, जो उसकी स्ट्रेंथ थी उसको प्रॉस्पर किया। ठीक है, तो ये था चोलास के बारे में। इधर नीचे थोड़ा दिया है चोलास के बारे में, थंजावुर द चोला डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाय, किसने फाउंड किया था, विजालिया ने। द मैनी ग्रेट चोला रूलर्स असेंडर द चोला थ्रोन सच एज द राजा राजा राजेंद्र। ठीक है, असेंडर होता है उसके बाद कौन आया, तो जैसे क्या था, पहले राजा राजा था, उसके बाद उसका बेटा कौन आ गया, राजेंद्र आ गया। उसके बाद क्या लिखा है, द चोला रेलर्स फर्स्ट कैप्चर द रीन ऑफ पल्लव्स ग्रेजुअली एस्टेब्लिश देयर कंप्लीट होल्ड ओवर द साउथ इंडिया। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने क्या किया, पल्लव्स का जो एरिया था उसको कैप्चर कर लिया, फिर धीरे धीरे सारा साउथ इंडिया उसने क्या किया, अपने अंडर ले लिया, उसको कवर कर लिया। श्रीलंका, मालदीव, साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज इन नॉर्थ इंडिया अप टू बंगाल एज वेल केम अंडर देयर ओवरलॉर्डशिप। ठीक है, तो उसके बाद उसने क्या किया, जैसे हमने पीछे स्टडी किया है कि नॉर्थ इंडिया ले लिया, कुछ ब्रह्मा ले लिया, मालदीव ले लिया, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, वो सारा धीरे धीरे इनके अंडर आ गया। फिर नीचे दिया गया है चोला एम्पायर का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैसी थी, एग्रीकल्चर और रिवेन्यू का उनका क्या सिस्टम था। तो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या था, द किंग वॉज द हेड ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो चोला एडमिनिस्ट्रेशन का हेड होता था, जो सारा मैनेज कौन देखता था, मतलब किसके रूल्स फॉलो होते थे, तो उसका हेड मेन कौन था, किंग। एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एडवाइस द किंग, कुछ और ऑफिशियल्स थे वो क्या करते थे, किंग को एडवाइस करते थे, आपस में डिस्कशन होता था, उसके बाद वो उनकी एडवाइस भी सुनते थे। द आर्मी कंप्राइज्ड ऑफ एलिफेंट्स, कवेलरी, इन्फेंट्री एंड ए स्ट्रॉन्ग नेवी। तो उसकी आर्मी में क्या कुछ होता था, ये फोर चीज़ें होती थी, उसकी बहुत अच्छी नेवी थी, जो समुद्री सेना थी उसकी बहुत अच्छी थी, कुछ एलिफेंट्स थे उसके। द चोला एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू मंडलाम्स, वलांडू, नाडुस, कुराम्स, ग्रामम। ठीक है, नेक्स्ट दिया है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एट द विलेज लेवल वॉज एन एडिशनल फीचर ऑफ द चोला एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहाँ पे थी, जो गांवों के अंदर। एवरी विलेज हैज़ ए जनरल असेंबली कॉल्ड महासभा, और सभा वॉज द असेंबली ऑफ दोज विलेज इन विच द लैंड वॉज ओन्ड बाय द ब्राह्मण्स। ठीक है, तो इनकी असेंबली का नेम क्या था, ग्राम महासभा, और एक सभा, सभा वहाँ पे होती थी जहाँ पर जो लैंड का ओनर कौन होता था, ब्राह्मण्स होते थे। ऑल दीज विलेजेस वर सेल्फ गवर्नमेंट यूनिट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सारे गांव थे वहाँ की क्या थी, सेल्फ गवर्नमेंट थी, वो खुद वहाँ पे उनका रूल होता था। उसके बाद है एग्रीकल्चर एंड रिवेन्यू। एग्रीकल्चर वॉज प्रॉस्पर्स एज द रूलर
प्रोवाइडेड इरीगेशन फैसिलिटी टू द फार्मर्स, ठीक है। तो वहाँ पे खेती क्या थी, अच्छी थी, क्योंकि उनको प्रॉपर जो इरीगेशन की फैसिलिटी मिलती थी। इरीगेशन होता है सिंचाई, पानी वगैरह, ठीक है। तो क्या है, द स्टेट फिक्स्ड 1/3 ऑफ द प्रोड्यूस एज ए टैक्स। तो उनकी जितनी भी खेती होती थी उसका 1/3 हिस्सा, तीसरा हिस्सा उनको एज ए टैक्स पे करना पड़ता था। उसके बाद क्या है, कैनाल्स, वेल्स एंड टैंक्स वर डू गॉट डग आउट टू फैसिलिटेट एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो वहाँ पे क्या था, कैनाल्स खोदी गई, कुएं बनाए गए, टैंक्स वर डग आउट, डग का मतलब होता है खोदना, तो खुदाई करके बनाए गए टू फैसिलिटेट द एग्रीकल्चर, सो दैट वहाँ पे उनको अच्छा सा इरीगेशन के लिए पानी मिल सके। तो उनको ये फैसिलिटी प्रोवाइड की गई ड्यूरिंग द चोला पीरियड। तो ये था ऑल अबाउट द चोला एम्पायर। दिस चैप्टर हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन 3 वीडियोज, सो must watch and listen all the videos very carefully. Thank you so much.